हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कैरमल एग पडिंग, वो भी ब्रेड से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम कैरमलाइज शुगर तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में हम ले लेंगे 1/4 कप शुगर और इसको लो फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, नहीं तो शुगर जल सकती है और कैरमलाइज शुगर अच्छी नहीं बनेगी। तो सिर्फ हमें इसे लो फ्लेम पे आराम से 15 मिनट तक पका लेना है। तो इस तरीके से इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता जाएगा और जब ऐसे कलर आ जाए इसका, तो तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कैरमलाइज शुगर हमारे बनके तैयार है। देखिए इस तरीके से इसका टेक्सचर होगा। इसमें पानी बिल्कुल भी हमें ऐड नहीं करना है। तो बिना पानी ऐड किए कैरमलाइज शुगर बहुत अच्छी बनके तैयार हो जाती है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बर्तन में, जिस बर्तन में हम कैरमल ब्रेड एग पडिंग तैयार करेंगे। तो ये बर्तन ले लिया मैंने और इसमें मैं डाल देती हूँ कैरमलाइज शुगर। इसको आप फटाफट से ट्रांसफ़र कर ले उस बर्तन में, नहीं तो ये जम के हार्ड हो जाएगी और ट्रांसफ़र करने में आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए ये बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने और इसको हम अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से। अब हम ले लेंगे ब्रेड और ब्रेड की कॉर्नर्स होते हैं ब्राउन वाले जो, इनकी हम कटिंग कर लेंगे। इनको आप इसमें ऐड ना करें, इनकी कटिंग कर लें। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार में इन्हें डाल देंगे। तो मैंने टोटल 4 ब्रेड लिए हैं और ऐड करेंगे 1 एग। शुगर ले लेंगे हम 1/8 कप और 1/2 कप मिल्क ले लेंगे। साथ ही में लास्ट में ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डालने से एग की स्मेल नहीं आती है इसमें और फ्लेवर भी बहुत अच्छा बन जाता है। इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए पेस्ट मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब एक छन्नी ले लेंगे और छन्नी से जो ये हमने पेस्ट ग्राइंड किया था इसको एक बार छान लेंगे ताकि कोई मोटे पीसेस रह जाए ब्रेड के तो वो इसमें छन जाए। तो आप छान जरूर लें इसे एक बार। देखिए कुछ कुछ पीसेस आप देख सकते हैं कि इसमें है, तो इसको हम साइड कर देंगे और अब हम तैयार कर लेंगे अपने कैरमल ब्रेड एग पडिंग। तो इसको टैप कर ले थोड़ा सा ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब एक कढ़ाई में हम ले लेंगे पानी और इसे स्टीम करेंगे। और इस तरीके से आप एक चपटा कोई छोटी सी प्लेट या कटोरी ले लें अपनी कढ़ाई की हाइट के अकॉर्डिंग और इसको हम स्टीम कर लेंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसको थोड़ा कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल या किसी ढक्कन से। तो देखिए ढक्कन मैंने हटा दिया था बीच में चेक करने के लिए। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ फाइनली 15 मिनट बाद कि पडिंग बनके तैयार है कि नहीं। तो एकदम ये टूथपिक से क्लीन निकल रही है, तो पडिंग बनके तैयार है। आप भी इस तरीके से चेक कर लें। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए पडिंग हमारी ठंडी हो गई है, तो इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बर्तन के ऊपर आप प्लेट रखें और उसे उल्टा कर दें, पडिंग एकदम इजीली निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी कैरमल ब्रेड एग पडिंग बनके तैयार हुई है, बहुत ही आसान तरीक़ों से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। और मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ इसकी। बच्चों बड़े सभी को ये घर में पसंद आएगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी कैरमल ब्रेड एग पडिंग कैसी बनी थी और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।